नाबालिग ऐश्वर्या राय बच्चन की स्थिति अचानक बिगड़ गई। इस कदर बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती 6 दिन बाद होना पड़ा है। जी हाँ, हॉस्पिटल में 6 दिन बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को भर्ती किया गया है। ऐश्वर्या की स्थिति अचानक खराब हुई। खबरें ये आ रही है कि पिछले 5 दिनों तक ऐश्वर्या को जलसा में अपनी बेटी के साथ ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था। वहीं वो क्वारंटीन में थी, वहीं पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज से उनके सेहत में सुधार के बजाय 6 दिन बाद खबर आई। आधी रात ऐश्वर्या माइल्ड फीवर और थ्रोट पेन यानी कि गले के दर्द और बुखार से तप रही थी, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में तुरंत नानावती हॉस्पिटल में तुरंत ले जाया गया, वहाँ भर्ती कराया गया। फैंस ये जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को एक बार फिर से इस बीमारी की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और उनकी स्थिति बहुत बुरी है। अभी भी उन्हें इस बीमारी के दर्द से लड़ना पड़ रहा है। वहीं अपनी बेटी आराध्या की भी बीमारी को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी परेशान है, जिन्हें हॉस्पिटल में फौरन भर्ती किया गया। हॉस्पिटलाइज ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए इस वक्त सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण में आने के बाद उन्हें अभी तक पूरी तरह से इस बीमारी से ना तो छुटकारा मिला है और ना ही घर पर बीएमसी के गाइडलाइंस के साथ बीएमसी के अंदर ट्रीटमेंट से बहुत बड़ा फायदा मिल पाया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब बच्चन परिवार उसकी बीमारी को लेकर कोई और फैसला लेगा या फिर नानावती हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आएंगे। फिलहाल हम दुआ करते हैं कि ऐश्वर्या के फीवर और गले में दर्द से उन्हें छुट्टी मिले और लौट आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट 9।